الحمد لله رب العالمين وبه نستعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت جرامي قدر سامعين किताब तौहीद के दर्स का सिलसिला अल्लाह के फजलो करम से जारी है और हम इस बाब से मुतालिक गुज़श्ता दर्स में बयान कर चुके हैं कि शेखुल इस्लाम मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने उन लोगों पर रद्द करते हुए ये बाब कायम किया है जो लोग ये दावा करते हैं कि मुसलमानों में शिर्क नहीं आ सकता। बाज़ लोग कहते हैं कि मुसलमानों के दरमियान शिर्क नहीं आ सकता, जब एक शख्स ने कलिमा पढ़ लिया तो अब वो दोबारा शिर्क में कैसे मुब्तला होगा, तो उनका रद्द किया है और इस जवाब के लिए ये बाब कायम किया है कि इस उम्मत के कुछ लोग बुतपरस्ती में मुब्तला होंगे। यकीनन पूरी उम्मत तो बुतपरस्ती में मुब्तला नहीं होगी, शिर्क में मुब्तला नहीं होगी, एक जमात ता कयामत हक पर कायम रहेगी, लेकिन कुछ लोग बुतपरस्ती में मुब्तला होंगे, शिर्क में मुब्तला होंगे। पहली आयत के ताल्लुक से हम गुज़श्ता दर्स में गुफ्तगू कर चुके हैं सूरह निसा की आयत नंबर 51 में कि अल्लाह ताला ने अहले किताब का जिक्र किया कि वो लोग जिब्त और ताबूत पर ईमान रखते हैं। उसके बाद शेख ने दूसरी आयत जिक्र की सूरह माईदा की आयत नंबर 60 जिसमें अल्लाह तबारक तआला ने उनका जवाब दिया है। जब यहूदी ये कहते थे कि मुसलमानों का दीन हमारे दीन से बुरा है, मुसलमान हमसे बुरे हैं, तो अल्लाह ताला ने उनका जवाब दिया कि उनको बता दो कि बुरे कौन लोग हैं और अच्छे लोग कौन हैं, उन्हें बता दो। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह, आप कह दीजिए क्या मैं तुम्हें बताऊं अल्लाह के नजदीक इससे ज्यादा बुरा अंजाम किसका होगा, अल्लाह के नजदीक इससे बुरा बदला कौन पाएंगे। तुम कहते हो कि मुसलमान और कलिमा पढ़ने वाले और तौहीद को अपनाने वाले और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे चलने वाले ये बुरे लोग हैं, तो तुम सुन लो कि उससे बुरा बदला उन लोगों का होगा जिन लोगों पर अल्लाह ने लानत की है। मन लानहुल्लाह, जिस पर अल्लाह ने लानत की है और जिसको अपनी रहमत से दूर कर दिया है। वगदिबा अलैह, और जिस पर अल्लाह ताला ऐसा गजबनाक हुआ है कि कभी अब उनसे राजी होने वाला नहीं है, उन पर अल्लाह की नाराजगी और गुस्सा है। वजअला मिनहुमुल क़िरदता वल खनाज़ीर, और वो लोग कि जिनको अल्लाह ताला ने सुअर और बंदर बना दिया, ये सब यहूद में हुआ है कि यहूद पर अल्लाह की लानत हुई, यहूद पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ और यहूदियों को एक वक्त में अल्लाह ने सुअर और बंदर बना दिया। अल्लाह ताला ने सनीचर के दिन उन्हें शिकार करने से मना किया था कि सनीचर के दिन मछली का शिकार ना करो, लेकिन वो हीला से उसका शिकार करने लगे और अल्लाह की बात को उन्होंने टाल दिया, तो अल्लाह ताला ने उन्हें सजा के तौर पर सुअर और बंदर बना दिया। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि जवानों को बंदर बना दिया और बूढ़ों को सुअर बना दिया, और बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि ये दोनों दो वाक़े के वक्त हुआ है। अस्हाबुस सब्त, जो लोग सनीचर के दिन मछली का शिकार करने के लिए हीला किए थे, उन सबको बंदर बना दिया गया था, और जब माइदा का तलब किया गया था, दस्तरखान तलब किया गया था ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, तो उसका जिन लोगों ने इनकार किया उस मौके पर उन्हें सुअर बना दिया गया। बहरहाल ये दोनों चीजें उनमें हो चुकी हैं, अहले किताब में हो चुकी हैं, तो अल्लाह के यहाँ बुरा अंजाम तो इनका है कि अल्लाह ने इन्हें सुअर और बंदर बनाया और वअबदत तागूत, और अल्लाह ताला ने इन लोगों में कुछ लोगों को ऐसा बनाया जिन्होंने शैतान की इबादत की।
जिन्होंने तागूत की इबादत की, जिन्होंने गैरुल्लाह की इबादत की, बुत परस्ती में लग गए, अल्लाह ने इनकी यह हालत कर दी कि तौहीद को ये भूल करके बुत परस्ती में ये लग गए, शैतान की पैरवी में लग गए, शैतान के पीछे लग गए। तो ये लोग ज्यादा बुरे हैं। अब आप देखिए कि यहां अल्लाह ताला ये बयान कर रहा है कि कुछ यहूद ने बुत परस्ती की, कुछ यहूदियों को अल्लाह ताला ने इसमें मुब्तला किया, सुअर और बंदर बनाया, और कुछ को शैतान का पुजारी बनाया। और इस उम्मत के बारे में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पेशीन गोई फरमा चुके हैं कि इस उम्मत के कुछ लोग उस उम्मत की पैरवी करेंगे, यहूदो नसारा की पैरवी करेंगे। लिहाजा इस उम्मत में भी कुछ लोग तागूत के पुजारी होंगे, कुछ लोग गैरुल्लाह की इबादत में मुब्तला होंगे, कुछ लोग शिर्क में मुब्तला होंगे। और इसी तरह से इस आयत से ये बात भी हमें मालूम होती है कि अगर अहले बातिल हुज्जतबाजी करें और मुसलमानों के कुछ उयूब बयान करें गलत तौर पर, नाहक तौर पर, तो हमें उसका जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि तुम्हारे अंदर क्या क्या उयूब हैं, तुम जरा अपने ऊपर नजर डाल लो। इसी तरह से इस आयत से ये बात भी मालूम होती है कि इंसान जैसे आमाल करता है उसी तरह से उसे सजा भी मिलती है। और इसी तरह से इस